दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। और अब खबर सीधी से है, जहां जिले में एक प्रिंसिपल पर 12वीं की छात्रा ने अश्लील बातें करने का आरोप लगाया। वो छात्रा को बार बार फोन करता था। पीड़िता ने तंग आकर परिजनों को बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जहां अब उसे निलंबित कर दिया गया है। छात्रा के साथ मोबाइल पर अश्लील बात करने वाले प्राचार्य पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई कलेक्टर के प्रस्ताव के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि शासकीय उमा विद्यालय खड्डी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह कक्षा 12वीं की अध्ययनरत छात्रा से मोबाइल पर अश्लील बात करने का आरोप लगा और छात्रा की शिकायत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर जब मामला कमिश्नर तक पहुंचा तो सबसे पहले मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, पर बात नहीं बन पाई, जहां उन पर कार्रवाई कर दी गई है। 27 अप्रैल के आदेशानुसार उसे मझौली अटैच कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल के अश्लील बातें करने के बाद छात्रा आईजी तक पहुंची, जहां रामपुर नैकिन थाना में प्राचार्य प्रभारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके साथ ही लड़की के पिता ने अश्लील बातों का ऑडियो कमिश्नर और आईजी के सामने भी रखा, जहां 27 अप्रैल को संयुक्त संचालक के द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन की अवधि में विकासखंड शिक्षा अधिकारी मझौली नियत किया गया है। कहां व्यस्त रहते हैं? अरे कहीं नहीं, मेरे भाई का फोन आया था। अच्छा, कहां रहते हैं भाई आपके? मेरे भाई यहां नहीं रहते, बाहर रहता है। और रामलीला वगैरह ना जाना होगा, हमारे गमार लोग रहते हैं। कहे ना जाए रामलीला में, क्या होता है? अरे यार, तुमको कोई देखेगा तो अच्छा ना लगेगा ना। हमें देखते रहे, देखने वाले देखते रहे भाई। तो तुम मेरी हो ना, तो मेरे हिसाब से रहोगी ना। ऐसा नहीं होता सच में, भले मैं गुस्सा था तुम्हारे ऊपर, लेकिन कसम बहुत याद आती थी। किसी कसम बहुत, और बाहर जाती थी इसीलिए काका गुस्सा लगती थी, इसलिए कि तुम उधर जाओगी तो उधर जाओगी तुमको कोई देखेगा। अब मेरे स्टेटस के हिसाब से रहूंगी ना। वो तो स्कूल बस में आप देख सकते हो, बाकी घर से बाहर नहीं। और होटल होटल बिल्कुल कभी नहीं जाना। क्यों? अरे वहाँ पे लड़के लोग रहते हैं ना इधर उधर, तो क्या रहते रहे अपना, वो तो अपने लिए रहते हैं ना कि मेरे लिए। जब मैं रहूँगा तब आया करो बस। क्यों? ये जब मैं अगर जाना होगा तो मेरे से बुरे बुरा लिया करो, तो मैं आ जाया करूँ। अच्छा, खुश हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको हम बुलाएं तभी जाएं।